रेडी हेलो क्रिश रॉय फ्रॉम जर्मन फुटबॉल एकेडमी. हम लोग यहाँ पे जर्मन फुटबॉल एकेडमी लॉन्च किया था अप्रैल 2017 में. एंड अभी हमारे पास मोर देन 200 किड्स हैं यहाँ पे कलकत्ता के अंदर में. हमारे सेंटर्स पुणे में है, चेन्नई, केरला, यहाँ सब एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं. अभी जो होल आइडिया है कि हम लोग यहाँ पे जर्मन स्टाइल का ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहाँ पे हमारा जर्मन कोचेज हर 3 महीने में एक बार आते हैं, हमारे कोचेज को ट्रेन करते हैं. यहाँ पे हमारा लोकल कोचेज जो इंडियन कोचेज है उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएट होना पड़ता है स्पोर्ट्स साइंस में फ्रॉम LNIT ग्वालियर, पटियाला में NIS है, प्लस लाइसेंस इन फ्रॉम AIFF लाइक डी लाइसेंस हो गया, सी लाइसेंस हो गया. प्लस हम लोग बच्चे लोग के जब भी, जैसे अभी मई में हम लोग बच्चे लोग को लेके गए थे जर्मनी, दे प्लेड इन क्लब्स लाइक Hoffenheim, FC Bayern, हैकेनबर्ग टूर्नामेंट में भी खेला, जिसमें हम लोग जर्मन बच्चे लोग को मिक्स किया था इंडियन बच्चे लोग के साथ. सो दैट देयर इज अ कंपटीशन मैनेजमेंट, दे अंडरस्टैंड कि कैसे ये मिक्सअप होता है, कैसे यू नो व्हाट्स देयर स्टैंडर्ड विज अ स्टैंडर्ड ऑफ द जर्मन किड. सो ये होल आइडिया में हम लोग कंसेप्चुअलाइज किए. फ्यूचर में आप देख रहे हैं ये टर्फ इज वन ऑफ आर लॉन्चिंग एरिया. ये टर्फ का जो आया है दिस हैज कम ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम. सो ये जो स्टैंडर्ड्स होता है, दिस स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट कि हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हम लोग कलकत्ता में ला सकते हैं कि नहीं. तो इट्स अ गुड स्टार्ट. हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्रास रूट फुटबॉल को प्रोफेशनल लेवल में लेके जाने के लिए. वी आर देयर टू हेल्प IFA वो हियर AIFF इन द नेशनल लेवल. उनके साथ भी हमको काम करना है, टेक द टेक्नोलॉजी टू द नेक्स्ट लेवल. स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं. और ये बच्चे इसमें कैसे आते हैं आपके? बच्चे हमारे जो है हमारा ऑल स्कूल से है. अभी हमारे पास जो स्कूल से लामाटीना फॉर बॉयज से बच्चे आते हैं, सेंट जेवियर्स है, साउथ सिटी इंटरनेशनल है, इंदर्स वैली है. वैसे आप गर्ल्स को भी देख रहे हैं, मॉडर्न है स्कूल से गर्ल्स है, लामाटीना फॉर गर्ल्स से आते हैं. तो हम लोग जैसे बॉयज फुटबॉल भी प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग गर्ल्स फुटबॉल भी उतना ही प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं. सो ऑल इन ऑल दिस इज द होल आइडिया. अप्रैल 2017 से चालू किए थे जब हमारे पास एक ही ग्राउंड हुआ करते थे. अभी हम 3 सेंटर चला रहे हैं यहाँ पे. सो भगवान के आशीर्वाद विल ग्रो, एंड व्हेन वी ग्रो द ग्रास रूट फुटबॉल ऑल्सो ग्रोज इन इंडिया. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. सभी प्रैक्टिस यही होते हैं, यहाँ पे हो रहा है, साउथ सिटी इंटरनेशनल में हो रहा है और आपका इंदस वैली स्कूल में हो रहा है. आपका इरादा क्या करने का ले जाने का? यहाँ पे देखिए, अभी देखिए लॉट ऑफ AIFF का जो चालू होने वाला है, बेबी लीग्स चालू हो रहा है, आई लीग्स का जो अंडर 13 अंडर 15 लीग्स चालू हो रहे हैं, हम अपना टीम उसमें भेजना चाहते हैं. सो पहले 2 साल हम कंसोलिडेट करेंगे, बच्चे लोग को वो हिसाब से ट्रेनिंग कराएंगे, एंड देन वील टेक देम टू दैट लेवल सो दैट दे कैन प्ले दिस लीग्स, डेवलप द ग्रास रूट सो दैट दिस आर द पीपल हु गोज अप एंड प्लेज इन द आई लीग एंड ऑल और ISL जो भी है. ट्रेनिंग कैसे कराते हैं? ट्रेनिंग हमारा जो कोचेज है, जैसे हमने आपको बोला, जो भी हम लोग उनको ट्रेनिंग लाते हैं कोचेज को, जर्मन कोचेज आते हैं, 72 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है पर कोच का विद आर लोकल कोचेज, प्लस वी ऑल्सो कोच आर इंडियन किड्स. तो दिस इज अ मिक्स ऑफ ऑल द ट्रेनिंग व्हाट वी वर्क ऑन. एडमिशन का क्या सिस्टम? एडमिशन का ये है कि पहले 2 दिन हम लोग उनको ट्रायल में बुलाते हैं, लेट देम एंजॉय. यहाँ पे होल आइडिया है दे शुड एंजॉय द गेम. फुटबॉल इज ऑल अबाउट एंजॉयमेंट. एक बार वो लोग समझ में आएंगे कि हम लोग कैसे एंजॉयमेंट में करते हैं, देन ओनली दे गो एंड यू नो टेक द एडमिशन इन टू द टीम. जहाँ पे हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि पहले 2 दिन यू जस्ट एंजॉय योर गेम, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. पेरेंट्स को मैसेज देते हैं, देखिए आप अगर देखते हैं अभी पेरेंट्स का मैचेस भी हो रहा है. तो फुटबॉल इज नॉट ओनली फॉर किड्स, फुटबॉल इज फॉर एवरीवन. सो हम लोग यहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, स्कूल्स आर इन्वॉल्व, किड्स आर. इवन मॉर्निंग में आप देखे होंगे हम लोग NGO का भी मैचेस किया, जहाँ पे डिफरेंट NGOs फ्रॉम कलकत्ता का बच्चे लोग आए हमारे साथ मैच खेले. दैट इकोसिस्टम इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. पेरेंट्स को इतना ही बोलेंगे कम एंजॉय, आप भी एंजॉय करो, बच्चे लोग भी एंजॉय करो, एवरीथिंग. Thank you so much. At this facility, we had this place here which you can see. So we thought about doing a separate football ground. And Mr. Raju came in touch with Mr. Krish from German Football Academy. And we came to a conclusion and with a single mind that, okay, let's have a facility. And we are very, really thankful to the German Football Academy and to Mr. Krish Roy for providing us with this facility. And I'm sure children from this, from our club and from other NGOs as well as the other clubs will have opportunity to come and play here, and definitely I'm sure we'll have better football players coming out of from this place. Thank you so much, sir. It's a pleasure. Just a quick question to Rajesh sir, who himself has been a good footballer in his own rights. So what made you think that when we are creating a facility like this, sir, like we have to have a world-class facility, you know, what was the thought process going through your mind? See, this is a dream project for me. This dream I thought of this 12 years before. Now the thing is this has come true, and I am, as a sports person, I really love to play and love others to play also. Brilliant.
Okay, thank you. So once you see this kind of world-class facility has come up, and you can see the enthusiasm and all of all the girls, boys playing for, and Raju sir was there since morning also, you have seen the NGO girls coming in and playing. So what's the way forward in Punjab Club? What are the other thoughts you have, sir, as a president you are driving the thing, so in field of sports? In field of sports, like I just told you before, we want to develop this as a sports complex. Uh-huh. Not with just associated with one sports, we want to have different sports also. Uh-huh. So we are planning a squash court here. Fantastic. We are planning like wall climbing, plus we are planning to have a basketball here. So this is going to come in small periods with short, small times, maybe in association with yourself or with other, sure, clubs or with other coaches. So we definitely want that it should be everything in one place. Uh-huh. So once a child, somebody's child enters this place, uh-huh, he should not think that I have to just go for tennis. His parents may be wanting him to play tennis, uh-huh, but maybe once he enters here, he may be having interest in football, uh-huh, or maybe in squash. Uh-huh. So, you will get to know then what the child actually has in his mind, uh-huh, and he will get whatever he wants to play. That is what we are looking for. थैंक यू सो मच सर. जैसे आप देख सकते हो कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है हमारे लिए. जैसे ये थॉट प्रोसेस इटसेल्फ इतना बढ़िया है कि कीपिंग अस ऑलवेज गेसिंग व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग इन पंजाब क्लब. सो थैंक यू सो मच सर, एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर. डेफिनेटली थैंक यू. हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारा न्यू ग्राउंड हुआ है और हमारे कोच ने हमको यहाँ पे बुलाया है इनॉग्रेशन के लिए और यहाँ पे खेलने के लिए और दिखाने के लिए कि टर्फ कैसे बनाए. और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. कोचेस को बहुत थैंक्स करना चाहते हैं. योर नेम? मेरा नाम निर्माण. निर्माण की सहानी. फुटबॉल, हु इज योर फेवरेट? रोनाल्डो. इन जर्मनी डिड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी एनी स्टार? नो नो. Okay, okay. So thank you very much. All the best, huh?